हेलो दोस्तों, वेलकम टू केआरके लॉ क्लासेस। मेरा नाम है काशिफ खान और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट में जो लीगल एसोसिएट की पोस्ट आई है उसके बारे में। इसको अप्लाई करने का ऑनलाइन प्रोसीजर है और इसमें जो सैलरी है आपकी वो 2 लाख से ज़्यादा है पर मंथ। और ये जो पोस्ट है वो स्टूडेंट या वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने लॉ में ग्रेजुएशन किया है। तो चलिए इस वीडियो में इसकी पूरी डिटेल को समझते हैं, पूरे नोटिफिकेशन को देखते हैं और जानते हैं कि इसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कैसे इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको जाना है बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर, जो कि है www.bombayhighcourt.nic.in। इसके जो है रिक्रूटमेंट सेक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा छोटा सा, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने खुलकर आएगा। इसमें जब आप नीचे में देखेंगे तो यहाँ पर ये रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन आई है, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ एसोसिएट ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे। ये जब एडवर्टीजमेंट वाले पे आप क्लिक करेंगे तो ये पूरा एडवर्टीजमेंट आपके सामने खुलकर आ जाएगा और अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करेंगे तो इसका फॉर्म आपके सामने खुलकर आ जाएगा। तो चलिए इसको और डिटेल में समझते हैं। अब बात कर लेते हैं पूरे एडवर्टीजमेंट की। तो ये आपके सामने एडवर्टीजमेंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 जो है वो सेलेक्टेड लिस्ट है और 4 जो है वो वेटिंग लिस्ट है। मतलब कि ये कंफर्म लिस्ट है 7 और 4 जो है ये टेंटेटिव है, ये आने वाले टाइम पे क्लियर होने के चांसेस हैं। ये जो 7 पोस्ट है इसमें एक पोस्ट जो है वो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के लिए रिजर्व है और यहाँ पे स्केल आप देख सकते हैं 78,800 से लेकर 2,09,200 तक का है और इसके साथ अदर जो अलाउंसेस मिलते हैं वो भी मिलेंगे आपको। आगे बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो जैसा कि मैंने बताया कि 2 कैटेगरी के यहाँ पे लोग हैं जो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ये दोनों कैटेगरी के लोग दोनों पोस्ट में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो पहले ही कैटेगरी है वो है मेंबर ऑफ हाई कोर्ट्स स्टाफ एंड स्टाफ इन सबॉर्डिनेट जुडिशरी। मतलब कि हाई कोर्ट जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उसके अगर जो स्टाफ हैं या फिर जो सबॉर्डिनेट मतलब के जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हैं उनके जो स्टाफ हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज जो लिमिट है वो 21 साल से लेकर 45 साल के बीच होनी चाहिए और यहाँ पर उनके पास डिग्री होनी चाहिए लॉ की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए कंप्यूटर का, जिसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए। मिनिमम 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस होना चाहिए उनका आफ्टर क्वालिफाइंग डिग्री इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। मतलब कि 3 साल का उनका प्रैक्टिस का लॉ में जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए। दूसरा है प्रैक्टिसिंग एडवोकेट, जो हाई कोर्ट के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या जो सबऑर्डिनेट जुडिशरी के प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए एज लिमिट है 21 साल से लेकर 38 साल तक की और जो स्पेशल कैटेगरी या रिजर्व कैटेगरी की जो हम बात करें SC ST OBC उनके लिए जो है 5 साल एक्स्ट्रा है, मतलब वो 43 ईयर्स तक के कैंडिडेट भी इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके लिए भी वही है, इनके पास भी डिग्री होनी चाहिए लॉ की रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और साथ ही साथ इनके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट होंगे और इनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर एट बॉम्बे में प्रैक्टिस का। अब आगे बात कर लें जो कंप्यूटर की बात मैं कर रहा था अभी कि कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो कंप्यूटर के सर्टिफिकेट के लिए इन्होंने जो है कुछ स्पेसिफिक सर्टिफिकेट या कुछ स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ या बोर्ड्स बताए हैं जहां से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहला बताया यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश अंडर द महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट 1994। इनके पास अगर कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो कि महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी एक्ट के अंदर में इस्टेब्लिश हुई है तो वहाँ से आपके पास कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर गोवा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन में अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो रजिस्टर है तो वहाँ से आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर आप ये जो कैटेगरी देख रहे हैं इस टाइप के आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए। उसके बाद आगे बात करें प्रिफ्रेंस किसको दी जाएगी, तो कोई भी ऐसे कैंडिडेट जिनकी राइटिंग में जो है 80 वर्ड वो पर मिनट में लिख लें या फिर वो 35 वर्ड जो है पर मिनट में टाइप कर लें इंग्लिश में, तो उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। दूसरे वो कैंडिडेट जिनको लिखना पढ़ना और बोलना आता हो मराठी लैंग्वेज, उनको प्रेफरेंस दी जाएगी। उसके बाद आगे बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की, तो सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 कैटेगरी है यहाँ पे। पहली कैटेगरी की आपका एक स्क्रीनिंग टेस्ट या रिटन टेस्ट होगा जो कि 100 मार्क्स का होगा। अब ये 100 मार्क्स का जो टेस्ट है उसमें जो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन आएगा वो आएगा जनरल इंग्लिश से, जिसमें होगा एसे, प्रिसाइज राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड ग्रामर।
दूसरा है जो है वो 70 नंबर का लीगल नॉलेज से क्वेश्चन होगा। इसमें पहला जो क्वेश्चन बनेगा 50 नंबर का वो बनेगा बॉम्बे हाई कोर्ट ओरिजिनल साइड रूल से, और दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा 20 नंबर का वो बनेगा सीपीसी सीआरपीसी लिमिटेशन एक्ट, बॉम्बे कोर्ट फीस एक्ट और बॉम्बे स्टाम्प एक्ट। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे आपको मिनिमम जो है 50 मार्क्स तो लाने ही लाने हैं अगर आपको वाइवा के लिए एलिजिबल होना है तो। साथ ही साथ ये कट ऑफ मार्क्स पे आपको जो है सेलेक्ट किया जाएगा, तो मतलब कि आपको मिनिमम मार्क्स तो लाने ही लाने हैं, उसके बाद जो कट ऑफ बनेगी उसमें आपको सिलेक्शन होगा वाइवा के लिए। वाइवा जो है वो 50 नंबर का होगा, और वाइवा में फिर जो है सारी चीज़ें आपकी देखी जाएंगी, आपका बोलने का तरीका, आपकी नॉलेज वगैरह सारी कुछ जैसा चेक होता है वो सारी चीज़ें होंगी। साथ ही साथ आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी चेक किए जाएंगे सारी चीज़ें कि आपके सही है कि नहीं। अगर आप सही मिलते हैं तभी जो है आपको इसके लिए सेलेक्ट किया जाएगा। अब आगे बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि कैंडिडेट को अप्लाई ऑनलाइन करना है, तो वो जो अप्लाई का बटन था वहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो आपको बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा उसके रिक्रूटमेंट सेक्शन में। और ये एप्लीकेशन आपको 15 सितंबर 2022 से पहले पहले भर लेनी है, मतलब कि कुछ ही दिन बचे हैं आपके। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि भाई बहुत ही कम जो है इसकी फ़ीस है, सिर्फ 25 रुपये है। जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तो आपको 25 रुपये की एक पेमेंट करनी होगी जो इसकी फ़ीस है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए या आपको कोई भी डिटेल जाननी हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे। और ऐसी ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप रीडिंग।